प्रसून जोशी का पहला झटका, कर दी फिल्म बैन। जी हां, आपने सही सुना, प्रसून ने अपने फैंस के साथ साथ पूरे बॉलीवुड को बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाल ही में प्रसून जोशी को CBFC का अध्यक्ष बनाया गया था और उनसे सभी को काफी उम्मीदें थी। उनके पास पहली फिल्म तूफान सिंह सर्टिफिकेशन के लिए आई थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया है। दरअसल ये फिल्म पंजाबी है। इस फिल्म में एक्टर रंजीत बावा है। इस फिल्म की कहानी देश के सिस्टम और राजनीति में मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लिया है। इसके चलते ही सेंसर बोर्ड ने इसके कुछ सीन्स कट नहीं किए हैं, बल्कि पूरी फिल्म को ही बैन कर दिया है। ये फिल्म काफी वायलेंट बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेंसर बोर्ड का कहना है कि हद तो तब हो गई जब मेकर्स ने फिल्म में तूफान सिंह की तुलना शहीद भगत सिंह से दिखाई। ये फिल्म बेहद ही क्रूर और अराजक है। हम इस तरह की क्रूरता के संदेश के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं रख सकते हैं। वैसे कहा जाए तो प्रसून का ये पहला फैसला है। आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि प्रसून किस फिल्म को ग्रीन सिग्नल्स देते हैं और किस फिल्म को रेड सिग्नल्स। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।